अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज जनाब हम मनाने लगे हैं कोफ्ते का सालन, जो कि दावतों में रखा जाता है। चिकन, बीफ, मटन, जिसके साथ भी आप बनाना चाहते हो बहुत मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। एक पाव कीमा है, एक ब्रेड का पीस है, एक छोटा सा प्याज है, थोड़ा सा धनिया और अदरक है, और जो मसाला हमने ग्रेवी इसकी तैयार करनी है उसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज है और एक बल्ब लहसुन का, एक इंच का टुकड़ा अदरक का, एक बड़ा टमाटर और तीन हरी मिर्चें। अदरक, लहसुन और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, मतलब सौते कर लेंगे कि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। टमाटर और हरी मिर्चों को हम साबुत रखेंगे, इसका मज़े का पेस्ट बना लेंगे। जितना अच्छा पेस्ट बनेगा उतनी स्मूथ आपकी ग्रेवी बनेगी, और जितना दानेदार होगा उतना आपका भुना भुना सा बनेगा। तो देख लेना, अगर आपको भुना हुआ बनाना है तो थोड़ा सा दानेदार रख लेना, और अगर आपको पेस्ट बनाना है, शोरबा बनाना है उसका, तो फिर आप उसको अच्छी तरह ब्लेंड कीजिएगा। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, पाउडर है या कुटा हुआ है, जैसा भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो, इसके अंदर डाल देंगे। एक एक टीस्पून सारे मसाले हैं, और इसको तब तक भुनेंगे जब तक इसका घी सेपरेट नहीं हो जाता। 2 टेबलस्पून भर के मैंने घी इस्तेमाल किया है इसके अंदर, और अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो तो ज़्यादा कर सकते हो, नहीं तो 2 टेबलस्पून के साथ बड़ी अच्छी इसकी तरी बनकर तैयार होती है। 1 लीटर पानी डाल देंगे जब घी सेपरेट हो जाएगा। सारे मसाले चॉप कर लेंगे, कीमा, ब्रेड का पीस, प्याज, अदरक और धनिया, ठीक है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला 1-1 टीस्पून। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतने ही अच्छे कोफ्ते बनकर तैयार होंगे, टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, पक्की बात है। 1 टीस्पून के करीब कीमा लेंगे जिसके हम मीट बॉल्स बनाएंगे, ठीक है। आई बॉल कर सकते हो आप, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 टीस्पून के बराबर कीमा ले लो और उसके हम बनाएंगे कोफ्ते। और ये जनाब दोनों हाथों से टाइट टाइट दबाएंगे और बहुत मज़े के कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। उबलते हुए पानी के अंदर हमने कोफ्ता डालना है, ठंडे पानी में नहीं डालना है। दोनों हाथों से टाइट टाइट दबाकर कोफ्ते बनाएंगे, उतने ही अच्छे कोफ्ते बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। आप देख लो, इसको हम साइड से पकड़ कर कर रहे हैं, चम्मच नहीं लगा रहे, ठीक है। बस इसको हिलाएंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। उतनी देर में कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे, अंडे बॉयल कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए धनिया, मिर्चें और गरम मसाला डालना चाहते हो आपकी अपनी मर्जी है, नहीं तो ब्लैक पेपर भी ठीक रहेगी, इसको हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे। ये देखो जी, 20 मिनट में हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे, गार्निशिंग ऐड करेंगे। ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो मस्त लाइक कर दें, कोई भी प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, कुछ पूछना है तो पूछ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी दोस्ती और मजबूत हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।